हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और बिंदास होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर जो है बेरियल के काम के लिए जो बिंब यहाँ पर जो है बनाया गया था और बिंब भी बांधा गया था। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बिंब डूब चुका है, वो बिंब यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि बिंब क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पर। बशर्ते यहीं पर है लेकिन डूब चुका है, ये दिखाई नहीं देता है। आप लोग पिछले वीडियो में जो है जाकर देख सकते हैं, अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पता चल जाएगा यहाँ के बिंब के बारे में। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कहीं बिंब नहीं दिखाई देता है, बिंब डूब चुका है। ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को, ठेकेदारों के द्वारा जो ये काम किया गया है ये सही था और सोच समझ के काम किया है? ऐसा ही सोच समझ के काम किया जाता है। ऐसे तो मतलब बस सोच समझ के अगर काम किया हुआ रहता था, आज जो है यहाँ पर जो है नहीं डूबा हुआ रहता। जितना भी पानी आता है, नहर का पानी यहीं से होकर गुजरता है दोस्तों, और यहीं से होकर गुजरता है। तो पहले तो सबसे पहले तो इसको इसका इंतजाम करना चाहिए था कि कोई भी पानी यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, तो ये सोचकर इसको बनाना चाहिए था। बशर्ते जो है धरफर में बनाया है या जल्दबाजी में इसको बनवाने के लिए ऐसा किया है और ये हो गया, हादसा हो गया। आप और देख सकते हैं, जब तक इसका पानी नहीं सूखेगा तब तक अब जो है काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि कैसे काम मतलब होगा, कैसे बीम पर मतलब जो है फिर से सीधा से बांधेंगे, लेवल भी नहीं किया होगा। और आप लोग देख सकते हैं ये बसहा जाने वाली रोड है, ये बसहा ढलान के नाम से जिस जगह पर अभी रुके हुए वो बसहा ढलान के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है गिट्टी सब बिछाने के लिए जो है यहाँ पर लाया गया है और बिछाया नहीं गया है अभी तक फिलहाल, और बारिश की वजह से ढेर सारा मिट्टी यहाँ से जो है बहकर नीचे चला जाता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के नज़ारा में। और ये रास्ता का बात करूँ तो आप लोगों को बता दूँ, ये रास्ता जो आप लोग देख सकते हैं ये बाइक जा रहा है जिस रास्ते से, वो रास्ता आप लोग क्या कहते हैं जगन्नाथपुर सिकटियाई होते हुए गुजरता है, वो रास्ता देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे तरह के नया नया अपडेट आप लोगों को देता रहूँ, नया नया वीडियो दिखाता रहूँ, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि और अधिक लोगों तक जो है पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके इस वीडियो को। और सो दोस्तों, कॉमेंट भी कीजिएगा कैसा वीडियो चाहिए आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।